और अभी जैसे कि मैं एस्टोनिया होम्स के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ हूँ। हाँ, मेरे साथ में जो है निखिल हैं। निखिल आपको थोड़ा सा कुछ और डिस्क्राइब करके बताएंगे जो सैंपल फ्लैट्स हैं। हाँ निखिल, अब थोड़ा सा बताओ। सर, जो हमने इस ड्राइंग, ये हमारा ड्राइंग एरिया है जो आप बैठे हैं, ड्राइंग रूम है। इसमें जो ऊपर आप फॉल सीलिंग देख रहे हैं, ये फॉल सीलिंग आपकी एज इट इज रहेंगी, और जो आपकी ये कंसील्ड लाइट्स हैं, हम ये आपको लगा के साथ में दे रहे हैं। तो कंसील्ड लाइट्स और फॉल सीलिंग आपकी एज इट इज रहेगी। और ड्राइंग रूम में जो एसी की प्रोविजन है, यहाँ पे जो आपको एसी दिखाया जा रहा है, इसमें हम आपको सिर्फ आपको एसी की सारी जो अंदर की कॉपर वायर है और वो ड्रेनेज सिस्टम है, वो सारी फिटिंग करके देंगे। आपको सिर्फ एसी लाके यहाँ पे फिट करना है, जिससे कि आपको तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद जो आप ये डोर देख रहे हैं, जो हमारी एंट्री डोर है, ये हमारी फ्लश डोर यूज। और ये किचन के बारे में किचन कुछ? के बारे में किचन के बारे में आपको थोड़ी सी चीज ये बताना चाहूंगा कि ये फुली मॉड्यूलर किचन है, ठीक है। उसके बाद इस किचन में हम नॉर्मली क्या होता है कि बिल्डर्स एक सिंगल सिंक यूज करके देते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे डबल सिंक और सेरा की सारी फिटिंग करके देते हैं। डबल सिंक आज के टाइम में जो लेडीज होते हैं उनको सबसे हाँ, ज्यादा वो दिक्कत यही डबल आती सिंक की ही जरूरत पड़ती है, है, एक जरूरत सिंक पड़ती से है, तो काम नहीं चल काम नहीं पाएगा। चल पाता है। इसके बाद आपको एक चीज और दिखाते हैं। जैसे आपने देखा होगा किचन्स, कई प्रोजेक्ट्स के अपने बड़ी ग्लोसी ग्लोसी सी किचन दिखती हैं, वो क्या होता है, उन्होंने एमडीएफ की बनी बनाई किचन लाके छोड़ देते हैं। पर हमने इसी चीज को कवर करने के लिए हमने इसी में 19 mm की प्लाई यूज करी है, जो अच्छा, कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वर्क बेनिफिशियल रहती है। और अंदर जो हमने ये यूज किए हैं स्टेनलेस स्टील के कबोर्ड यूज किए हैं, वरना आप देखते हो प्लास्टिक की बड़ी सुंदर सी लगती होती है, पर वो ड्यूरेबल नहीं होती है। ये स्टेनलेस स्टील हमने यूज करने है, इसीलिए यूज किया है क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जर ड्यूरेबल नहीं लगती है, और ये ज्यादा टाइम के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं इसके हाँ अंदर जी, में। जो भी हमने यहाँ पे यूज किया आप देख सकते हो कि हमने स्टेनलेस स्टील ही यूज किया है, आपको वो चीज जो कि ड्यूरेबल रहे। ये सारे वर्टिकल उसमें किचन के अंदर स्पेस काफी अवेलेबल है। अच्छा, सिलेंडर रखने के लिए ये सिलेंडर सिंक के रखने के नीचे, लिए सिंक के नीचे इस सिंक तरफ, के नीचे ये इस साइड इस में, साइड पे हमारे अवेलेबल है। ये आपका सिलेंडर रखने के लिए। और इसमें जो है ये आराम से आपके जो है दो सिलेंडर आ जाएंगे। और हम आपको गीजर की पूरी फिटिंग करा के दे रहे हैं, तो गीजर वगैरह की पूरी फिटिंग रहेगी, आरओ की फिटिंग रहती है, आरओ आपको सिर्फ और सिर्फ आके लगाना रहेगा। दूसरी चीज आपको अगर हम दिखाना चाहें तो हम दिखाएंगे आपको यहाँ पे जो हमारे क्वालिटी में हमारे जो स्विच बोर्ड्स हैं, ये हमने एमके या गोल्ड मेडल के ही यूज किए हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट क्वालिटी में आते हैं। सेकंड ऑफ ऑल, इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि इसमें जो वायरिंग यूज की गई है वो केईआई की वायरिंग है, जो केईआई एक अपने आप में ही ब्रांड है, तो उसकी क्वालिटी आपको आने वाले टाइम में समझ आती है कि अगर हमारी वायर छोटी होंगी या पतली होंगी तो वो शॉर्ट सर्किट का रीजन बना रहता है, पर अच्छा, केईआई एक अच्छी फुल गेज की वायरिंग होती है। तो यहाँ जो अभी मैं पॉइंट कैच कर पा रहा हूँ, वो दो पॉइंट बड़े इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आपका जो किचन के अंदर जो भी ये आपके सेक्शन है इनकी क्वालिटी, और दूसरा जनरली ये अब किसी को नहीं पता होता है कि भाई वायर किस टाइप के यूज किए हैं, स्विच किस टाइप के यूज किए हैं। उसको इन एडवांस बोलना और उसकी एक्सप्लेनेशन देना, ये किसी के लिए भी जो है ना बड़ा डिफिकल्ट है। और वो पॉइंट यहाँ अभी जैसा आपको बता रहे हैं कि ये KI के जो है वायर हैं और उस तरीके से यूज किया हुआ है, और स्विच है, हाई क्वालिटी स्विच है, फैन स्विच, ये आप जो देख पा रहे हैं, राइट। और जो डोर आपके हैं ये ये रेड बरंडी की हमने सारी की सारी लकड़ यूज करी है, जो कि एक इकलौती लकड़ है जिसपे हम पॉलिश कर सकते हैं, वरना तो लोग बहुत दूसरी सिंपल चीप लकड़ी यूज करके, वुड यूज करके उसके ऊपर पॉलिश नहीं करी जा सकती, उसके ऊपर पेंट करते हैं। ये जो सारी हमने, चाहे डोर्स हैं, चाहे हमारे कपबोर्ड्स हैं,
या फिर जो भी चुकाठे हैं वो सारी के सारी हमने रेड मोरंडे की ही लकड़ी यूज कर लिया। टाइलों के बारे में कुछ बोलना हाँ, चाहेंगे? ये जो हमारी ये टाइल्स हैं ये सारी की सारी वर्टिफाइड टाइल्स हैं, जो यहाँ पे हमने टाइल्स यूज की हैं वो 32x32 की टाइल्स यूज 32x32 की टाइल यूज करी है जो ये सैंपल है। इसके अलावा हमने आगे आने वाले उसमें सारी की सारी हमने 32x32 की बड़ी टाइल्स यूज करी है।